आजकल जीपे फोन पे या जो भी यूपीआई आप यूज करते हो उस पे एक स्कैम बहुत चल रहा है और आप अलर्ट रहिए उसके लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो मैं बता रहा था मैंने बड़ा पंगा कर दिया था, तो एक्चुअली हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो जीपे पे नोटिफिकेशन आ जाता है। ट्रेनिंग और व्लॉगिंग के वजह से भी इतना बिजी शेड्यूल था मेरा कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं जो भी कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे मैं सबको बस स्वैप कर रहा था। पंगा ये हुआ कि मैं पिछले प्रीवियस मंथ का भी भूल गया और ये मंथ का भी भूल गया। शाम को कॉल आया पापा से कि इलेक्ट्रिसिटी कार्ड दी है तूने, भरा कि नहीं भरा, इस वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। आके देखा तो पापा ने कर दिया था वो, लेकिन वो मेरी गलती थी जो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं निभाई, तो इस वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया था कल। बिकॉज आप लोगों को बोर ना हो मेरा पीछे का सराउंडिंग सेम देख के करके मैं वापस से छत पे जा रहा हूँ। आजकल जी पे फोन पे या जो भी यूपीआई आप यूज करते हो उस पे एक स्कैम बहुत चल रहा है और आप अलर्ट रहिए उसके लिए। उसमें कैसा होता है कि आपको किसी से भी पैसे लेने वो आपको यूपीआई करेगा, आपको अमाउंट क्रेडिट करेगा, आपको दिखेगा भी, मैसेज भी आएगा कि अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड करके, लेकिन दो मिनट में वो अकाउंट डेबिट भी हो जाता है। वो क्यों होता है क्या होता है वो नहीं पता। ये मेरे साथ एक बार हो चुका है। मेरा तो 250 रुपीस का ही ट्रांजेक्शन था करके इतना फर्क नहीं पड़ा था, मेरा ध्यान भी नहीं गया। उसके बाद मेरे को एक हफ्ते बाद पता चला जब मैंने स्टेटमेंट निकाला था। पापा के साथ भी सेम 100 रुपये का हुआ था तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल 2200 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था, क्रेडिट हुआ और फट से कट गया। अगर कोई भी वो प्लेटफॉर्म से देख रहा है यूपीआई के तो प्लीज़ सजेस्ट करो वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, या कोई ग्लिच तो नहीं, या हमें अपने बैंक में कॉन्टैक्ट करना, बैंक से कॉन्टैक्ट करके देख लिया लेकिन वो बोलते हमारी तरफ से तो है नहीं वो सारी चीज़ें। प्रॉब्लम यही है कि हम डिजिटलाइजेशन के चक्कर में बहुत पड़े, अगर सेफ नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो बी अवेयर। तो आज है मेरा वीक ऑफ, आज वही सोच रहा हूँ क्या प्लान करूँ। अरे यार एक तो इधर आया ना कंस्ट्रक्शन का काम और ये ट्रक और ये सारी चीज़ों का आवाज़ बहुत आता है। बार बार के सारे रोड बना दिए, इधर कब बनाएंगे पता नहीं, होप तो जल्दी बन जाए। सारस्वत का जो एटीएम था वीवे में वो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो पापा के अकाउंट में कैसे डालूं क्योंकि अर्जेंट है इस वजह से। अभी तो अभी अपनी साली के पास जा रहा हूँ, उसको हैंड ओवर करूंगा, उसको बोलूंगा कैश ट्रांसफर कर दे मेरे अकाउंट में, मैं पापा के अकाउंट में कर दूंगा। तो काम हो गया, अभी मम्मी वड़ा पाव बना रही है, पाव और बेसन लेके जाना है। वड़ा पाव के लिए सामान ले लिया है, अब खाने की बारी है। ऊपर का साफ कर दिया है मैंने पूरा, अभी ये सारे सब चीज़ साफ करना है। दो दिन पहले वापस से पीसी ऑटो रिस्टार्ट हुआ था तो मुझे लगता है वापस से शायद उसमें कचरा जमा हो गया रहेगा, डस्ट जमा हो गया रहेगा, वो साफ करता हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। डस्ट नहीं होगा तो उसका रीज़न क्या होगा मेरे को आइडिया नहीं है, थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि उसमें फाइल्स है और वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी देखता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ, आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस उसने मेल आया, हाँ मैं अभी मेल करता हूँ उनको, आपको चाहिए वो दुकान पता है, मैं लेके आऊंगा। जो वेबकैम था वापस से उसे बॉक्स में रख देता हूँ क्योंकि मैं यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ, तो वेबकैम को अंदर डाल दिया, जब यूज़ होगा तब निकालूंगा। चलो बाय बाय वेबकैम। तो साफ तो कर दिया है, कुछ लग तो नहीं रहा है मेरे को, इसके वजह से कुछ धूल की वजह से प्रॉब्लम है क्योंकि ज़्यादा धूल नहीं था। जो ग्राफिक कार्ड है वो भी साफ कर दिया अच्छे से, फ़ैन भी साफ कर दिया है। वापस से लगा के देखते हो रिस्टार्ट होता है क्या, और पूरा ये जो मेरा प्लेटफॉर्म था ये पूरा साफ कर दिया मैंने, काम खत्म। ये मैं बोल रही हूं, तो आज मेरी बहन बना रही है पनीर चिल्ली, आता है क्या रे तेरे को, अच्छे से देखो ये देखो जब मेरी बहन बनाती है कैसा फैला के रखती है, ये देखो। लेकिन ये मास्क तूने सर पे क्यों डाला है यार, इतना मेहनत करके साफ किया इन लोगों ने वापस से खराब कर दिया। ये खाना खाया है इधर, बाद में निलाऊंगा मैं। हाँ तो कभी भी निला, शाम को मत निलाना, सर्दी लग जाएगी ना पिक्सी को, बड़ा कितना ठंडा हो रहा है उसका बहुत कर, ये है आपको तो तुम्हारा काम क्या, घोड़े जैसे हो गए अभी, क्या क्या हो गए हम लोग घोड़े घोड़े, तो वो बच्ची है अभी, एटलीस्ट गधे तुम ही बोलो, गधी तू है दोनों गधे हो डिसाइड कर लो घोड़े या गधे हम लोग, घोड़े दोनों। इतना भोली वाली बन के क्या क्यों बैठी है रे, मालूम है तेरे को भूख लगा है। ओहो 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 क्या हुआ क्या हुआ, जब भी छुट्टी मिलती है ये लेके आ वो लेके आ ये लेके आ, आधा दिन तो ऐसे सामान लाने में चले जाता है सुबह से, ये वो अभी सोच रहा हूँ अभी भाड़ में गया सब चीज, अभी मैं आराम करूंगा, अपना मूवी देखूंगा, कम से कम 3 घंटा तो मैं आराम करूंगा, मस्त फैल के मूवी देखूंगा, उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी दीपक आया, दीपक के साथ बाहर जा रहा हूँ।
तो हम लोग बेलापुर जा रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए। जिनको नहीं पता है, उलवे में पेट्रोल पंप अभी भी खुला नहीं है, इस वजह से बेलापुर में जाना पड़ता है। दीपक की गाड़ी है, दीपक की गाड़ी में पंगा भी है, क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग कराई। मैं आगे बताता हूँ आप। अभी भी कॉन्स्टेंट ही है पेट्रोल का प्राइस 110 रुपये। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे ऐसे ही रहेगा शायद। अपोलो के यहाँ जो बेलापुर में पेट्रोल पंप था वहाँ बहुत लाइन था करके हम लोग नेहरुल में चले गए, और नेहरुल में भरा के अभी सोचा कि थोड़ा नेहरुल की भी सैर किया जाए। ये पूरा पाम बीच रोड है। अभी हम लोग टूवर्ड बेलापुर की तरफ जा रहे हैं, और अभी तक पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, खाली ऐसे ही घूम रहे और पेट्रोल जला रहे। तो उलवे हम लोग वापस आ गए। अभी जिम का ही मेंबरशिप पूछने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत पेट भी बढ़ गया, वेट भी बढ़ गया। 2-3 जिम जाएंगे, जहाँ का प्राइस सूटेबल लगेगा वहीं जाएंगे हम लोग। अभी से नहीं, अभी दीपक भी न्यू कंपनी में लगने वाला है, तो उसका भी स्केड्यूल मैच करना पड़ेगा। सबसे पहला ही जिम हम लोग ने देखा और वही हमारे बजट में बैठा है, उसको ही फाइनलाइज किया है। लेकिन अभी खाली ये है, दीपक के स्केड्यूल पे डिपेंड है, वो तभी डिसीजन लेंगे यही जिम में जाना है या दूसरे जिम में, अभी डिसाइड करेंगे। अभी 11 तारीख को इसका ज्वाइनिंग है, और 3-4 दिन में हम लोग डिसीजन लेंगे। 13-14 को हम लोग डिसीजन ले लेंगे।